दोस्तों, इस लेसन में हम जानना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, हु आर यू एंड वाई आर यू हियर। आप लोगों को सुन के ये हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन आज भी मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बेटा हो कौन और करते क्या हो, खास तौर पे आईटी की दुनिया में जिधर रोज़ एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई मेथोडोलॉजी आ रही है। लोग आपसे कॉन्स्टेंटली पूछेंगे कि आप हैं कौन और आप क्या करते हैं और आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे ना सिर्फ आपके लर्निंग जर्नी के स्टार्ट में पूछा जाएगा, बल्कि आपसे बाद में भी पूछा जाएगा एज यू गो ऑन एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हु आर यू एग्जैक्टली? बट बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए, उन सारे लोगों में वो एक कॉमन ट्रेट या फीचर क्या है? चलें ये छोड़ें, क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जो सिर्फ आईटी के शोबे में मशहूर हुए, उनमें क्या एक फीचर या क्या एक ट्रेट कॉमन है? सोचें, थोड़ा और सोचें। सो यहां पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आईटी के दुनिया के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बनाई, पीपल लाइक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क ने दो कंपनीज बनाई जिनके लिए हम उन्हें जानते हैं। एक कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि गाड़ियां बनाती है, और एक कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो स्पेस के लिए डिफरेंट तरह के तैयारे बनाती है। इलॉन को छोड़ दें, किसी और एंटरप्रेन्योर की तरफ आते हैं, लेट्स लुक एट स्टीव जॉब्स। कौन है स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब्स इन्वेंटेड समथिंग दैट वी नो एज आईफोन, और आईफोन ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। ये वो कुछ आईटी के बादशाह हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। बट लुक, लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर नेम्स। जेफ बेजोस, इन्होंने अमेज़न बनाया। जैक मा, इन्होंने अली बाबा बनाया। बोथ दीज कंपनीज आर मोर देन $500 बिलियन कंपनीज वर्किंग इन ई कॉमर्स। लेट्स लुक एट सम अदर नेम्स। मार्क जकरबर्ग, कितने लोगों ने यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का नाम सुना हुआ है? व्हाट इज दैट वन प्रोडक्ट दैट यू यूज दैट मार्क क्रिएटेड? इट्स फेसबुक। सो क्वेश्चन वही है कि क्या वो एक ऐसी चीज है जो इन सब लोगों में कॉमन है? क्या ये एक तरह के कपड़े पहनते हैं? क्या ये एक तरह का खाना खाते हैं? क्या सबको बर्गर पसंद है? क्या ये एक तरह की घड़ी पहनते हैं? या क्या ये एक तरह की गाड़ी चलाते हैं? आई होप अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, एंड यू मस्ट हैव एन आंसर। बट द रियल आंसर टू दिस इज दैट दे ऑल हैव एन ऑब्जेक्टिव, दे ऑल हैव अ गोल। ऑब्जेक्टिव का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको पता लगता है कि आपने कहाँ जाना है। और ये सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का हमेशा शुरू से एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव था, और हम चाह रहे हैं कि इस कोर्स में आप भी अपना एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव रखें। एक कहावत है कि एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज अ ड्रीम। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपने ख्याल रखना है। एक, ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, क्या वो चीज है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं? एंड द सेकेंड वन इज द प्लान। ये ऑब्जेक्टिव, बेशक वो इस कोर्स को सीखने का है, बेशक वो पैसे कमाने का है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे और किस प्लान के तहत आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, इसका एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है गोल से। सबसे टॉप पे आपका गोल है, आपका एक 5-year goal, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस 5-year goal में। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट, कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। द थर्ड वन इज द स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि क्या करना है, बट आप उसे करेंगे किस तरह, और किस तरह से आप अपनी सर्कमस्टांसिस को और अपने हालात को चेंज करेंगे टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्टिक्स एंड द टूल्स। सो दीज टैक्टिक्स एंड टूल्स आर द फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स दैट यू विल यूज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। और ये सीक्वेंशियल प्रोसेस जो आपको नजर आ रहा है, दिस विल हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर।
your objective is your choice, but having an objective is very, very important. Objective aap beshak jo marzi rakhein, lekin objective rakhna lazmi hai. Iski ek simple si example lenge, ki agar aap apne ghar se bahar nikalte hain aur aap decide karte hain ki aaj shahar ki taraf aap jayenge, beshak gaadi mein jayenge, beshak aap apni Mercedes mein jayenge ya Mehran mein jayenge ya beshak kisi motorcycle pe jayenge, aapko pata hona chahiye ki aapne jana kahan hai. Uske liye aap ek road choose karenge, wo aap pe hai, wo aapki strategy hai, lekin aapko lazmi pata hona chahiye ki aapne jana kahan hai. Ye nahi ho sakta ki aap jaake apni gaadi mein baithe ya apne motorcycle pe baithe aur phir sochein ki oh mujhe to pata hi nahi maine jana kahan hai. That's why having an objective is crucial. Isliye ye bhi kaha jata hai ki your objective will help you know where to grow and where to go. Kahan jana hai aur kitna grow karna hai. This is something your objective will help you with. Main aapse ek choti si activity karana chahta hu. Apne paas ird gird jidhar bhi aap ye baith ke lesson dekh rahe hain, agar aapko koi pen ya paper milta hai to please use utha le. Chale main aapko kuch second dunga jaldi se dhoondne ke liye, and I hope abhi tak aapne wo pen aur paper dhoond liya. Us pen aur paper pe मैं चाहता हूं आप अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस कोर्स के साथ. हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोर करते हैं विच विल हेल्प यू मेक अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स से आप ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मैं बाय एंड ऑफ दिस कोर्स या बाय एंड ऑफ वन ईयर $100,000 कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. दैट इज़ अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव. आप अपना गोल कम भी कर सकते हैं. गोल रखना टोटली आप पे है, बट एज I remind you that having a goal is very much important. Ya aap keh sakte hain ki my objective is to learn WordPress skills. Ho sakta hai aapka objective paiso se related na ho, lekin aapka objective ho skill se related. Ye bhi ek acha objective hai. Aap ye keh sakte hain ki my objective is to create an e-commerce website of my shop. Ho sakta hai aap koi shop own karte hain jiski aap ek online e-commerce website banana cha rahe hain using WordPress. Ye bhi ek acha objective hai. Having an objective is very important. But before you set your objective, know yourself. Knowing yourself is very important and very crucial. Kyunki jab tak aap apne aap ko nahi jante honge, aap sahi tarah se ye objective apna set nahi kar sakte honge. Allama Iqbal, hamare shayar, unhone kya khoob kaha ke khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle khuda bande se puche bata teri raza kya hai. इस कॉन्सेप्ट में भी अलामा इकबाल हमें कह रहे हैं कि खुद ही को एक्सप्लोर करो, देखो तुम कहाँ जाना चाह रहे हो. अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप एक अच्छे सफ़र की तरफ निकल सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल. सो दोबारा वो पेन और पेपर ढूंढें और देखें कि आप कौन हैं, क्या हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं. आस्क योर सेल्फ वाई आर यू हियर. आप इधर क्यों हैं, क्यों ये कोर्स सीखने आए हैं, क्या मिलेगा आपको इस कोर्स से. आइडेंटिफाई योर सेल्फ. आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक हाउसवाइफ हैं. अपने सर्कमस्टांसिस को जानना, अपने सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. आर यू समन हु सीकिंग अ जॉब, क्या आप यहां पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप एक जॉब ढूंढना चाह रहे हैं. और डू यू वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स. ये भी आप पे है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्टिव अपने लिए रखते हैं और किस तरह की सिप में वो आपको लेके जाएगा. एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें चार क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं टू सेट योर ऑब्जेक्टिव. वन इज व्हाट डू यू लव, आपको क्या पसंद है. पेन और पेपर पर ये लिखें. व्हाट आर यू गुड एट, क्या एक ऐसी स्किल है या चीज़ है जिसका आपको शौक है, जो आप करना चाहते हैं. व्हाट डू यू नीड राइट नाउ, क्या चीज़ें आपको चाहिए अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए. एंड द फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, आप अपनी सारी स्किल्स, अपनी ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, इनसे कैसे पैसे बना सकते हैं. ये जापानीज कॉन्सेप्ट है इकीगाई. इसको प्लीज़ जाके सर्च करें, इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और हमारे फेसबुक ग्रुप डिजिटल स्किल्स के उधर जाके इसके बारे में पोस्ट करें. सो अ समरी ऑफ दिस होल लेसन इज़ के अपने आप को जाने, देखें आप यहाँ पे क्यों आए और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर और सिंपल सेट करें, सो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड एंटरप्रेन्योर.